हरे कृष्णा। कृपा करके सब श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ, श्री श्री गिरिराज जी, श्री श्री गौर निताई, शिला प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद का आशीर्वाद स्वीकार करें। आज ये तिलक देख के आप थोड़े से अचंभे में आए होंगे, चिंता मत करिए, राधा कुंड जी का तिलक है, राधा कुंड जी के रज से बनता है, सबसे श्रेष्ठतम है, उत्तम है ना जी, क्योंकि राधा कुंड जी में समस्त ब्रह्मांड के जो पवित्र नदियां हैं, पवित्र सरोवर है, पवित्र सागर है, पवित्र जल है, वो राधा कुंड जी में है और वहां के ही रज से बना है ये राधा कुंड जी का तिलक। तो समस्त गिव से जो जुड़े हुए हैं भक्तगण, प्रभुपाद अनुगा, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि आज के बाद राधा कुंड जी का ये तिलक लगाया करें। इसका एक उद्देश्य और है, वो है कि इससे हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनती है, क्योंकि कई लोग पहले सुनते हमें थे परंतु अपने हमें सोचते थे हम किसी एक संस्था के हैं और वो उस संस्था में चले जाते थे, भटक जाते थे। तो अब ये भी क्लियर हो जाएगा कि हम गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन से हैं, गिव्स से हैं, तो हमें ढूंढेंगे, सही जगह को ढूंढेंगे, प्रभुपाद जी के शरण में आएंगे, तो उससे ये उद्देश्य पूर्ण होता है। जैसे कि हमारे साथ ही हुआ, पहले जमीन दिलवाई भगवान ने कुरुक्षेत्र में, फिर बोला कि नहीं नहीं, फिर ले गए राधा गोविंद देव जी अपने पास जयपुर, वहां भी ऑलमोस्ट जमीन दिलवा दी परंतु बोला नहीं, फिर हमें मथुरा ले आए, फिर मथुरा से वृंदावन ले आए, फिर वृंदावन से गोवर्धन जी राधा कुंड जी के पास ले आए। देखा, प्रोग्रेस करा रहे हैं। तो इसी तरीके से गोपी चंदन के बाद राधा कुंड जी का तिलक लिया है, कोई गलत नहीं है। प्रभुपाद जी से प्रश्न किया गया था, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुआ करते थे, उनका नाम था अच्युतानंद प्रभु। तो वो कह रहे हैं अंग्रेजी में, दे ऑल्सो वेयर द राधा कुंड मती तिलक, कि वो राधा कुंड माटी तिलक लगाते हैं वो लोग। तो प्रभुपाद जी जवाब देते हैं, देर इज नो हार्म, इसमें कोई, प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें कोई नुकसान नहीं है, अर्थात उन्होंने इसको मना नहीं किया, क्योंकि हमें याद है, मैं सुना है, देखा है कि प्रभुपाद के समय के अंदर भी कई उनके शिष्य राधा कुंड माटी के तिलक लगाया करते थे, तो हमने भी कोई अलग चीज नहीं करी है, ठीक है ना। तो मन में ये मत लाइएगा, किंतु एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें मन में मत लाइएगा कि अरे राधा कुंड जी का तिलक लगा रहे हैं, प्रभुपाद जी ने गोपी चंदन लगाया, तो हम प्रभुपाद जी की कोई अवहेलना नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी ने कहा राधा कुंड जी का माटी का तिलक लगाना कोई अपराध नहीं है, कोई गलत नहीं। और दूसरी चीज, परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, जो दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपके माथे पर और नाक पर राधा कुंड जी, राधा रानी विराजमान है, क्योंकि यहाँ ब्रज में राधा कुंड में राधा कुंड जी, और हमारे शास्त्र कहते हैं राधा कुंड जी और राधा रानी में कोई भेद नहीं है, तो आपके माथे पर हर समय राधा रानी है। प्रभुपाद से ऐसे, यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ श्री राधा कुंड, तो ये आपको हर टाइम याद दिलाएगा। जब हम भक्तों को भी देखेंगे तो उनके माथे पर जब ये तिलक देखेंगे तो हमें राधा कुंड जी का ध्यान आएगा, राधा रानी का ध्यान आएगा, है ना जी, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती। तो इसलिए आज से श्री राधा कुंड माटी का तिलक लगाया करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।